तो दोस्तों अभी पानी वगैरह तो भाई कम हो गया है, बाकी देख सकते हो मीठापुर मंडी में लगा के रखे हुए थे गाड़ी को, यहीं पर दुकान था, और गाड़ी को देख सकते हो वो वहाँ पर लगा के रखे हुए हैं। ये देखो जो कि गर्मा गर्म कचौड़ी है, अभी तहखाने से सामान निकालते हैं। ठीक है, खुल जा सिम सील। फर्स्ट टाइम हम लोगों का इस गाड़ी में, नई गाड़ी में भाई चिकन बनेगा। दोस्तों खाना बढ़िया बना रहे हैं भाई, और जगह के नाम पे भाई गाड़ी तो एक नंबर है, क्योंकि फुल जगह है भाई इधर सोने के लिए। मैं तो इधर ही सोता हूँ, अजीत भाई इधर सोते हैं। तो दोस्तों बढ़िया से भाई चिकन हम लोगों का फ्राई हो गया है, और बढ़िया मिर्ची प्याज भी मस्त से फ्राई हो गया है। तो अभी डाल दे रहे हैं इसमें कि दोस्तों कल सुबह हो जाएगी भाई खाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका माल रुक गया भाई इसके वजह से, क्योंकि पानी वगैरह गिर गया। तो इस गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय भाई अपन मीठापुर मंडी पटना पहुँच चुके हैं, और गाड़ी हम लोगों की थोड़ी सी आधी बस खाली हुई है, और आधी रात को भाई जो कि 10 बजे के बाद में होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा माल बिक नहीं पाया, तो पिकअप वगैरह में ला ला के भाई क्या कहते हैं नाइट में अनलोडिंग करेंगे। और बाकी दोस्तों हम लोग रात को यहाँ पर पहुँच चुके थे 10 बजे 10:30 बजे के आसपास हम लोग दोस्तों यहाँ पर पहुँच चुके थे। उसके बाद में गाड़ी को लगा दिए थे, पार्टी वाले को बता दिया भाई ऐसा ऐसा बात है, पहुँच चुके हैं आपके जगह पे। तो बोला भाई क्या कहते हैं लगा दो गाड़ी को पॉइंट में, उसके बाद में भाई आप लोग आराम कर लो, सुबह 4 बजे आएंगे फिर उठा देंगे। तो सुबह 4 बजे आए, फिर तिरपाल वगैरह पूरा खोल खाल के साइड के, फिर उसके बाद में आराम करना चालू कर दिया। और बाकी दोस्तों पानी तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, पूरा पानी अभी भी गिर रहा है, देख सकते हो इधर पूरा शीशा वगैरह हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है दोस्तों। अब सोच रहे हैं भाई अब क्या कहते हैं, अब रात में खाली होगी तो हम लोग भाई खाना पीना बना लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास फुल टाइम है ऐसा टाइप का। तो यहाँ पर देखते हैं, आज भाई फर्स्ट टाइम गाड़ी में चिकन बनाने का प्रोग्राम बन रहा है, बाकी अजीत भाई से भी पूछ लेते हैं उसकी डिमांड क्या है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं, पानी बहुत ही ज़्यादा बाहर में गिर रहा है, और सोच रहे हैं भाई अभी नाश्ता वास्ता का प्रोग्राम जमाते हैं करके। ठीक है, तो अभी नाश्ता वास्ता लाऊँगा भाई, उसके बाद खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद भाई जाएंगे सब्जी लाने। आज दोस्तों सोच रहे भाई नई गाड़ी में भाई चिकन बनाए। ठीक है, चिकन उकन बनाते हैं भाई बढ़िया। देखो आज भाई फुल टाइम में, दिन भर आज टाइम है भाई, क्योंकि गाड़ी तो रात में खाली होगी। और अपने गाड़ी में भाई ऐसी बात नहीं है कि अब जगह नहीं बनेगा, जगह तो इतना है भाई देख सकते हो कि कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अब यहीं पे भाई बढ़िया प्रोग्राम जमाते हैं। अभी जा रहे थे भाई सब्जी वगैरह लाने के लिए, नाश्ता वगैरह लाने के लिए, लेकिन पानी जो कि है भाई बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया, देख सकते हो कितना ज़्यादा भाई पानी गिरना चालू हो गया भाई साहब, कौंसा पूरा जम चुका है, ये देख रहे हो कितना पानी गिर रहा है। अब इतना पानी, अब पानी बंद होगा उसके बाद में। पानी वगैरह तो भाई कम हो गया है, बाकी देख सकते हो मीठापुर मंडी में लगा के रखे हुए थे गाड़ी को, तो गाड़ी का तिरपाल वगैरह अभी पूरा हो गया है, पानी वगैरह भी ज़्यादा गिर रहा है ना, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी नाश्ता वगैरह लेके आते हैं, देख रहे हो पानी से पूरा भरा हुआ है भाई इधर। पीछे का तिरपाल वगैरह लगा दिया, क्योंकि भाई कुछ चोरी वोरी का व्यवस्था थोड़ा सा जम सकता है इसके वजह से। तो नाश्ता तो ये रहा भाई, वहां पर है नाश्ता। बाकी दोस्तों पानी तो भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बाकी चिकन वगैरह लेने के लिए यहीं पे आ गए, क्योंकि यहीं पे ही दुकान था, और गाड़ी को देख सकते हो वो वहाँ पर लगा के रखे हुए हैं। ये देखो, और हम लोग भाई इस रास्ते से आए, इस वाले से, इधर से सीधा सीधा फुलवारी शरीफ से होते हुए मीठापुर मंडी। दोस्तों अपने गाड़ी में भाई कोई सामान तो है नहीं, तो अभी ले रहे भाई प्याज लहसुन लहसुन मिर्ची उर्ची सब लेना पड़ेगा भाई हमको, तेल वेल वगैरह भी नहीं हमारे पास। ठीक है, सबको घर में भाई यूज हो गया, घर में थे तो अभी सामान लेते भाई आधा किलो ले रहे हैं प्याज अभी, और लहसुन के लिए भाई पेस्ट ले लेते हैं, है ना। और पीछे में हम लोग की गाड़ी खाली हो रही है, और हम लोग भाई इस साइड में आए लेने के लिए सामान वगैरह, जो कि छोटा सा किराना स्टोर था, तो यहीं पर ही चलिए दोस्तों सामान वगैरह हम लोगों ने लेके आ चुका है, और बाकी गाड़ी के पास में आ गए हैं, तो खाना पीना भी बनाने का व्यवस्था चालू करते हैं। पानी भी भाई रुक गया है, तो दोस्तों सामान वगैरह लेके आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भाई प्याज मिर्ची लहसुन जो भी है सब मटेरियल पूरा लेके आ चुके हैं। और अजीत भाई नाश्ता भी लेके आ गया है, जो कि गर्मा गर्म कचौड़ी है, और ये जी तो अभी खा लेते भाई नाश्ता, उसके बाद में
चालू करेंगे भाई खाना बनाने के लिए। और अभी बता दूँ टाइम कितना हो गया भाई, टाइम हो चुका है भाई 12:30। खाना पीना बनाते तो बच जाएगा 2-3। दोस्तों हमारा नाश्ता पानी हो गया है भाई और अभी जा रहे हैं भाई खाना बनाने के लिए, जो कि अभी तहखाने से सामान निकालते हैं। ठीक है, खुल जा सिम। यहाँ पे भाई बर्तन भांडा जूता वगैरह साइड करो। इसमें क्या भाई, चावल आटा ही है। आज चावल बनाएंगे दोस्तों। रोज तो भाई अभी 3-4 दिन हो गए भाई लगातार हम लोग रोटी ही खा रहे हैं, आज चावल बनाएंगे। ठीक है, गेरा भाई अपना बर्तन भांडा। अभी निकाल लिया भाई 2 गिलास चावल धो के भाई, आज भाई चढ़ा देते हैं। और क्यों, इस तरह का है भाई हमारा सेटअप अभी का। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों ये गंदा है लेकिन इसको भाई अपन साफ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हो पूरा इसमें मिट्टी वगैरह जमा हुआ है, यहाँ पर ये सब व्यवस्था बन नहीं पा रहा है धोने होने का, इसके वजह से भाई अभी तो एडजस्ट कर ही ले रहे हैं। बढ़िया चूल्हा है अपना और इसमें पानी है, देख सकते हो गैलन में बढ़िया पानी है और ये दबाने वाला है, इसको दबाएंगे तो भाई पानी निकलना चालू हो जाएगा। दोस्तों चावल हम लोगों का लगभग भाई बनने वाला है, तो अभी चिकन भाई धो लेते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोगों का इस गाड़ी में, नई गाड़ी में भाई चिकन बनेगा। तो दोस्तों कढ़ाई भाई गर्म हो चुकी है, अभी डालते हैं इसमें तेल। दोस्तों तेल गरम हो चुका है, ये चला भाई तेज पत्ता और थोड़ा सा भाई जीरा और खड़ा मस्तो खड़ा मसाला भाई भूल गए, क्या करें भाई। सरसों का तेल में आज हम लोगों का चिकन बन रहा है, ऐसे तो हम लोग रिफाइंड तेल में बनाते हैं। तो दोस्तों तेज पत्ता वगैरह बढ़िया से लाल हो गया है, तभी जा रहा है इसमें प्याज। बढ़िया से प्याज को भाई लाल करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं भाई बढ़िया से अपना भाई प्याज लाल हो गया है, तो अभी जाएगा इसमें चिकन। तो ये चलो दोस्तों चिकन अपना। तो बढ़िया से दोस्तों इसको भाई फ्राई कर लेते हैं, कढ़ाई भी बढ़िया साइज की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दोस्तों लहसुन का पेस्ट डालने जा रहे हैं, क्योंकि भाई लहसुन तो हम लोगों को मिला नहीं तो लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं, और हरा मिर्ची भी नहीं मिला तो अभी लाली मिर्च में काम चलाना पड़ेगा हम लोगों को। खैर सब्जी मंडी में आए लेकिन यहाँ पर भाई थोक के हिसाब से मिल रहा है। नमक भी डाल दे रहे हैं दोस्तों साथ के साथ। तो अभी बढ़िया से दोस्तों इसको मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों खाना बढ़िया बना रहे हैं भाई, और जगह के नाम पर भाई गाड़ी तो एक नंबर है, क्योंकि फुल जगह है भाई इधर सोने के लिए। मैं तो इधर ही सोता हूँ, अजीत भाई इधर सोते हैं, बाकी गैस वो सब देख सकते हो आप लोग, पूरा सामान हम लोग भाई यहीं पे ही रखते हैं। बाकी जगह बढ़िया मस्त एक नंबर, अंदर कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप लोगों का कमेंट भी आया था कि अजय भाई बहुत अच्छी गाड़ी पकड़े हो, ऐसे कह के बहुत सा कमेंट आया है। दोस्तों बढ़िया से फ्राई हो गया है भाई, हल्दी डाल दिए हैं और ये चला भाई मिर्ची की काली मिर्च और जीरा पाउडर से धनिया पाउडर। अब कर लेते हैं बढ़िया से मिक्स। तो दोस्तों बढ़िया से भाई चिकन हम लोगों का फ्राई हो गया है और बढ़िया मिर्ची प्याज भी मस्त से फ्राई हो गया है। तो अभी डाल दे रहे हैं इसमें पानी और अब इसको भाई उबाल आने देते हैं। बिना टमाटर का दोस्तों हम लोगों का आज का सब्जी बना है, ज़्यादा मसाला हम लोगों ने यूज नहीं किया है, हल्का ही मसाला यूज किया है, प्याज का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा है बस और कुछ नहीं।
तो दोस्तों खाना पीना हम लोगों का बन के रेडी हो चुका है, तो अभी सामान सट्टा सब साइड करते हैं। देख सकते हो हम लोगों का चिकन कुछ इस तरीके का बना है भाई, ये चेक करो भाई। तो अभी निकालते हैं दोस्तों खाना, तो निकाल लेते हैं दोस्तों चावल, बन के रेडी हो चुका है हम लोगों का खाना। और दोपहर के दोस्तों 2:30 बज चुके हैं भाई। तो दोस्तों खाना बनके हम लोगों का रेडी हो चुका है भाई, नए ट्रक में फर्स्ट बार चिकन जो कि बनके रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो भाई। तो अभी दोस्तों खाना उना खा के भाई आराम करेंगे, क्योंकि खाली तो भाई अब रात को 10 बजे के बाद ही होगी गाड़ी हम लोगों की, है ना। फिर उसके बाद में कल देखते हैं माल हम लोगों का भाई रायपुर का मिल जाए तो अच्छी बात है, खोजना पड़ेगा कल माल हम लोगों को। तो दोस्तों हमारा खाना निकल गया भाई, देख सकते हो चिकन चावल, बहुत दिन से भाई रोटी रोटी खा रहे थे, आज भाई खाएंगे हम लोग चावल, ग्रेवी के साथ मिलाते भाई चावल को। पटना कुकरी लेग पीस, तो दोस्तों खाना पीना तो भाई हम लोगों का हो गया और बाकी अभी आराम वगैरह करने जा रहे हैं, और शाम के बज चुके हैं दोस्तों 3:30। तो अभी अजीत भाई इधर देख सकते हो कंबल उम्बल ओढ़ के, एकदम ठंडा लग रहा है क्या अजीत भाई? एकदम भाई, एकदम कंबल उम्बल ओढ़ के भाई सोए हुए हैं, इधर पंखा भी चल रहा है, इधर ये देख सकते हो डीसी पंखा चल रहा है बढ़िया, एकदम हवा आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन इधर है भाई कोने में, अजीत भाई है उधर। तो बस अब दोस्तों अब सो जाते हैं भाई, और शाम को मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से, ठीक है? तो शाम को मिलते हैं। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6:30, और अभी सो के उठे हैं भाई, अभी शीशा वगैरह पूरा साफ कर रहे हैं, पानी वगैरह भी बंद हो गया, तो इसी वजह बोले भाई गाड़ी को थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद में भाई माल वगैरह हम लोगों का खाली होगा, लेकिन 10 बजे के बाद ही होगा, मतलब 8-9 बजे 10 बजे के आसपास खाली हो जाएगा। बोलेरो पिकअप लेके आएंगे, उसके बाद में उसी से ही होगा भाई अनलोड, है ना। तो शीशा वगैरह अजीत भाई अभी बाहर से पूरा साफ वगैरह कर दे रहा है, बाकी देखते हैं वेट करते हैं भाई कितना टाइम तक, और खाली होने के बाद में ट्रांसपोर्ट नगर चलेंगे, वहीं पर रुकेंगे, फिर कल वगैरह माल उल देखते हैं कहाँ का भराता है हम लोगों का, है ना। हम का व्यू चेक कर सकते हैं दोस्तों मीठापुर बाजार का, और गाड़ी साइड में लगी हुई है हम लोगों की, बाकी अभी साफ सफाई चल रही है बाहर से, पूरा देख रहे हो पूरा जम गया है भाई मिट्टी वगैरह, पूरा इस सबको साफ कर ले रहे हैं, देख रहे हो इधर। ये देखो अलग ही मज़ा आ रहा है भाई शाम का, तो मतलब क्या ही बोले, लाइटिंग वाइटिंग पूरी एकदम स्पेशल। दोस्तों अपनी गाड़ी भाई आधी खाली हो गई है, और अभी भाई दो गाड़ी लोड करके गए हैं, एक डीआई में गया है और एक ऑटो में गया है, ठीक है। तो दो गाड़ी अभी चल जा चुकी है भाई लोड करके, और भाई रस्सा उस्सा मार दिए अभी, अब देखते हैं, अब जैसे जैसे उनको ग्राहक मिलता है वैसे वैसे वो लोग आते रहेंगे, ठीक है। तो अभी भाई थोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे क्योंकि सड़क पर भाई गाड़ी, भैया चल गाड़ी बढ़ाओ आगे, आगे बढ़ाओगे, क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, वो लोड करके ले गए वो लोग, आधा बचा हुआ है, मतलब बोल रहे हैं कि सुबह तक करेंगे ऐसा बोल के, जैसा जैसा ग्राहक मिल जा रहे हैं ना वैसा वैसा लोड करते जाएंगे ऐसा बोल रहे हैं। ऑटो में चला गया मतलब, हाँ दो ऑटो में चला गया है, और आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं अभी, क्या बोलते गाड़ी को, ठीक है आगे बढ़ाओ गाड़ी को। बस 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 बस। तो दोस्तों इस समय रात के बज चुके हैं 10:30, और गाड़ी में से
दो गाड़ी छोटी छोटी टेम्पो में भाई खाली हुई है, और बाकी जो माल है आधा गाड़ी अभी भी बचा हुआ है, आधा गाड़ी से कम है जो कि कल सुबह खाली हो जाएगी ऐसा बोला है। अभी देखते हैं, और नाइट में भी आएगी गाड़ी तो फिर तिरपाल वगैरह खोलना पड़ेगा, अगर नाइट में आई तो कोई पता नहीं है, आएगी तो आएगी नहीं तो नहीं आएगी। और बाकी दोस्तों कल सुबह हो जाएगी भाई खाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका माल रुक गया भाई इसके वजह से, क्योंकि पानी वगैरह गिर गया तो इसके वजह से खीरा का जो है भाई गर्मी में जल्दी बिक जाता है ना, लेकिन पानी वगैरह गिर गया तो ठंडा हो गया मौसम, इसके वजह से भाई नहीं बिक पाया। तो कल सुबह पूरा सेल हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग भाई यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी को लोडिंग वगैरह करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो भाई लाइक कर देना, एंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही प्यारे से नए ब्लॉग में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय दोस्तों।